नमस्कार, बिहार 24 सत्य सामना देख रहे दर्शकों का अभिनंदन के साथ भैरव स्थान थाना क्षेत्र के झौआ ब्रह्मस्थान में एक दुखद घटना घट गई है। दो माँ बेटे की हत्या हो गई है, वहीं से मैं आपको ये खबर बता रहा हूँ। हमारे पीछे आप देख सकते हैं भीड़ किस प्रकार है और किस प्रकार ये जघन्य हत्याकांड हुई है। जानकारी के अनुसार पिता पुत्र रात में गुजरात से अपने गांव पहुंचे थे और एक मामूली बात की झंझट को देखते हुए अपने चचेरे भाई को कुदाल से काट दिया। इसी घटना स्थल पर ही आप देख सकते हैं पीछे में जो जगह है वो हमारे कैमरामैन आपको दिखाएंगे। वहीं पर आज एक घंटा दो घंटा पहले की बात है, 9:30-10 बजे में पुलिस को जानकारी मिली थी और उसको कुदाल से मार दिया गया। तत्काल यहाँ पर विजय यादव की मौत हो गई और विजय की माँ सोनी देवी 45 वर्ष के हैं, उनकी भी मौत अस्पताल पहुंचने से पहले हो गई है। पुलिस तत्पर है, 4-5 थाना की पुलिस यहां पहुंची हुई है और तत्काल रोना धोना हो रहा है। अभी जो मृतक विजय यादव हैं उनकी लाश को पुलिस अपने कब्जे में ले गई है। मैं आपको दिखाता हूं कि किस प्रकार महिलाएं रोदन कर रही हैं, क्रंदन कर रही है। घटनास्थल की भी स्थिति विभत्स है। हमारे इस साइड में आप देख सकते हैं यही है ब्रह्मस्थान और ब्रह्मस्थान के बगल में जो ये झौआ का चौक है, इसी चौक के आगे इसी जगह पर आप कैमरा में भी देख सकते हैं वहाँ खून बिखरा हुआ है और उसी जगह ये जघन्य हत्या हुई है। विजय यादव जो 20 वर्ष का एक युवक था उसकी मौत हो गई है। घटना का कारण बहुत सा मामूली बात बताया जा रहा है। बताया जा रहा है कि तीन भाई जो थे उसमें दो भाइयों के बीच, जैसे एक सुन्नर यादव और एक मुन्नर यादव, मुन्नर यादव के लड़के विजय यादव हैं, सुन्नर यादव के लड़के सरोज यादव हैं, इन लोगों में आम के फसल को लेकर के कुछ विवाद था। जैसा कि SDPO ने बताया, कुछ दिन पहले जमीन की बंटवारा हुई थी और 4-5 दिन पहले विजय यादव उस वृक्ष को अपना वृक्ष बताकर उसका आम तोड़ लिए थे। उनके विजय यादव के पिता और उनके बड़े भाई अजय यादव अभी भी बाहर में है, यहाँ पर हत्या हो चुकी है। आम का महज फसल तोड़ा गया था और इस बात का आक्रोश इतना बढ़ा कि उनकी माता रेवनी देवी ने अपने पुत्र सरोज यादव और गुजरात में रहने वाले अपने पति सुन्नर यादव को फोन करके यहाँ पर बुलाया। बताया जाता है कि दोनों रात में ही यहाँ पहुंचे थे और सुबह में कुदाल से हत्या कर दी गई। मैं एक यहाँ पर उन्हीं के चचेरे भाई में आते हैं, उनसे मैं कुछ जानकारी चाहूंगा क्योंकि यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूजन है। और कब बंटवारा हुआ कुछ, सर आपका नाम क्या हुआ? सुभाष यादव। जो जिनकी मौत हुई है उनके आप कौन हुए? बड़े भाई, चचेरा भाई। हाँ। अच्छा, कितने भाई वो अपने थे? विजय। हाँ, विजय के पिताजी कितने भाई? तीन भाई थे। हाँ। आम का विवाद हुआ था? आम का विवाद हुआ। मतलब किन किन भाइयों के बीच ये आम का विवाद था? सुन्नर यादव और मुन्नर यादव। अच्छा, किन के लड़के की मौत हुई है? मुन्नर यादव लड़का के। मुन्नर यादव। हाँ। क्या आपको घटना के बारे में क्या सुनने में आया? सुनने में बस यही आ रहा है कि जो ये मुन्नर यादव के पेड़ सुन्नर यादव के जमीन में छले। जी। अब मुन्नर यादव के बेटा विजय यादव इससे 7-8 दिन पहले आम तोड़ के आने छले और सुन्नर यादव अब ओकर बेटा सरोज ये सब दोनों गुजरात में। ठीक। परिवार अपन बजौलक हन घर वाला के बेटा के, तो अपन बजा के रात में 9 बजे अबे के लिए आई भिनसर में घटना घटल की। सिर्फ आम के कारण? और कथी कारण? दो जान चली गई। हाँ। आम रह गया और जान चली गई। हाँ। यही विवाद का मुख्य बस है। यह है। आपको इसकी जानकारी कैसे मिली? हमको कुछ नहीं पता, हम तो अभी। हाँ। आप अभी तो बाहर रहते हैं ना? हाँ। कब आए थे? हाँ, ये 23 तारीख। अच्छा अच्छा, जिस समय घटना घटी उस समय आप गाँव में थे या कहीं बाहर? मंदिर गए थे संत नगर। हाँ जी, संत नगर से अभी आ ही रहे हैं, सब कुछ डिक्की में पढ़ाई है।
अच्छा, वहीं पर कोई सूचना दिया? निर्भापुर चौक पे। अच्छा, फोन से? हाँ। ठीक है, तो फिर पुलिस को सूचना मिली? हम फोन किए हैं सबको। जी, हम ही फोन करके बुलाए हैं एम्बुलेंस वाले सबको। ये लोग जो हैं, जिनकी मौत हुई है उनके पिता, और जो मारने वाले हैं उनके पिता, ये लोग सारे लोग बाहर रहते थे? हाँ, जो मरा है लड़का उसका पिताजी पंजाब से आज से 10 दिन पहले गया था। अच्छा, रोपनी। जी जी जी। और उनके भाई वो अविवाहित हैं जो मरे? कोई लड़का एकर शादी नहीं भेल छले, आकरा भाई के शादी भेल छले, वो अखन दिल्ली में छे। अच्छा, अच्छा। हाँ, गांव पर यसगर एगो बहिन एगो माँ, तो माओ के विजयो के काट दिल के ओकर बहिन असगरे निसा। बस असगरे बहिन? हाँ, असगरे। आज के शादी भेल छे? हाँ, शादी भेल छे। उनकर पत्नी छथिन त? नहीं, ओहो नहिं रे। अच्छा, 2-3 महीना पहले भेल छे शादी। अच्छा, विजय जी की बहिन के की नाम भेल? निशा कुमारी। निशा असगरे? असगरे निशा रे। जी, आपने इनकी बातों को सुना, आपको थोड़ा इनसे मैं स्पष्ट इसीलिए करवा रहा था जो कुछ नाम का कंफ्यूजन था, कैसे कौन बचे हुए हैं। एकमात्र वो बहन निशा जो है वो 15-17 वर्ष की होगी, वो मात्र जिंदा रह गई है। उस परिवार में आम का एक विवाद हुआ, आम के गाछ में से आम तोड़ा गया, आम संभवतः घर में ही होगा, आम तोड़ने के विवाद में जो पड़े हुए थे वो ऊपर चले गए। इसीलिए मैं सब दिन कहता हूँ, आप भी देखिए जो गुस्सा के कारण क्या दिक्कतें होती है। मैं आपको SDPO पवन कुमार से भी बात करवाता हूं, उनसे मैं घटना के बाबत जानकारी लेता हूं, उनको पहले बात सुनिए। आज के घटना के बाबत झौवा ग्राम में सूचना मिली थी 10 बजे करीब, थाना प्रभारी को सूचना मिली कि झौवा ग्राम में दो व्यक्ति का, मतलब माँ और बेटे को कुदाल से मारकर जख्मी कर दिया है, जिसमें एक की मृत्यु हो गई। ये सूचना मिली थी, जिस पर सत्यापन के लिए थाना प्रभारी दलबल के साथ यहाँ पहुँचे थे। उसके बाद यहाँ पहुँचने पर देखे कि एक लड़के की तो मृत्यु हो गई है जो है। उसके बाद उसकी माँ अभी जीवित थी, जिसको इलाज के लिए ले जाया गया, लेकिन रास्ते में भी उसकी मृत्यु हो गई। दो व्यक्ति को वही बगल का सरोज यादव और उसका पिता और माँ मिलकर के इन लोगों की हत्या कर दी है। हाँ, 4 दिन पहले आम के तोड़ने या आम को लेकर के विवाद हुआ था, उसी बात को लेकर के आज दिल्ली से बाहर आया ही था, सुबह आज रात आया था और सुबह में जो है दोनों मिलकर के इस तरह की तीन घटा की। अपना ही चचेरा भाई? चचेरा भाई, अपना चचेरा भाई और चचा। अच्छा, विजय यादव? हाँ, विजय यादव की हत्या की गई है। विजय यादव। हाँ जी जी जी। और विजय की माँ? इसमें एक इस घटनाक्रम में झौवा ग्राम में जो घटना घटित हुई है, इसमें त्वरित पुलिस त्वरित कार्रवाई करते हुए एक व्यक्ति की गिरफ्तारी की गई है और जल्द ही अन्य इसमें शामिल लोगों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापामारी लगातार कर रही है, जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। गिरफ्तार व्यक्ति उनके जो सरोज यादव है, उसके पिताजी बाबूजी हैं। हम तो हर बिंदु पर FSL की टीम भी आई थी, FSL की टीम के द्वारा प्रिजर्व किया गया है एग्जिबिट को हर साइंटिफिक मुद्दे रखते हुए, और FSL की टीम के द्वारा जांच करवाया जाएगा और जो भी सैंपल्स मिलेगा उसकी कार्रवाई। कितने लोग संलिप्त हैं इस कांड को अंजाम? 3 और 4 आदमी का नाम आ रहा है। हाँ, वो जो परिवार के लोग हैं वही सब हैं। छापामारी शुरू हो गई? छापामारी है, जल्द ही गिरफ्तार। हत्या किससे की गई है? हत्या कुदाल से मारकर किया गया है। पुलिस त्वरित गति से काम कर रही है, भैरव स्थान थाना की यह घटना है। भैरव स्थान के SHO, अंधरा ठारी पुलिस, झंझारपुर RS की पुलिस और लखनऊ की पुलिस, 4-5 थाना की पुलिस यहां पर तत्पर है। इससे बड़ी घटना के बाद पुलिस एक्शन में आई और एक व्यक्ति की गिरफ्तारी की गई है, जो अभियुक्त हैं। बताया गया है कि 2-3 आदमी ही मिलकर के मारा गए हैं। मारने वाले जो सरोज यादव, जो रात में ही अपने पिता सुनर यादव के साथ गुजरात से आए थे, उनकी माँ रेवनी देवी उनको फ़ोन कर 4 दिन पहले आम तोड़ने के विवाद के बारे में बताया था। घटना में वही 2-3 लोग के शामिल होने की बात SDPO ने कही है। उन्होंने जानकारी दी है कि तत्काल पुलिस एक्शन लेकर हत्यारोपी जो सरोज यादव हैं, उनके पिता सुन्नर यादव को गिरफ्तार कर दिया गया है। रोने धोने की आवाजें भी आप सुन रहे हैं। इतनी दुखद घटना हो गई, 2 की मौत हो गई, आम का महज विवाद था। गुस्सा हमेशा प्राण घातक होता है, लोग संयम रखें। इसी अपील के साथ
आप देखते रहें बिहार 24 सच से सामना। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अन्य जो भी जानकारी होगी आप अपडेट रहें, सब्सक्राइब करेंगे तो अपडेट रहेंगे। आप स्वस्थ रहें।